हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप से बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे। और आपको पता ही है कि कौन सी वीडियो है, क्वेश्चन आंसर विद अजय भाई। आप लोगों ने काफ़ी सारे मैसेज और काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे थे, तो मैंने कुछ कुछ कलेक्ट करके अजय भाई से पूछा है वो चीज़ें। तो गाइज़, आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और एक चीज़ मैं ये बोलूँगा आपको खास करके, वीडियो स्किप मत करना। अगर स्किप करा तो आप मतलब अपनी लाइफ का एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहरा होता है ना, वो मिस कर दो। क्योंकि इन्होंने पूरी लाइफ से लेके सारी बात बोली, और मैं तो ये चाहूँगा कि आप बिल्कुल मिस मत करना। वीडियो काफ़ी लंबी है तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस जाओ देखो पूरी वीडियो, सीखो और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी। और जो उन्होंने बोला है जय माता दी, जय सुरकंडा, ज़रूर बोलना। और गाइस, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी तो आपको पता ही है, शेयर आपको करना ही है। तो गाइस, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आप सीधे वीडियो को देखो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो जैसे कि दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि आज अजय जी का इंटरव्यू लेंगे हम, और उसमें जैसे आपके कुछ क्वेश्चंस थे तो वो सब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, जो जो आपने क्वेश्चन पूछे थे। तो पहले बात करते हैं अजय जी से। जय माता दी। हाँ जी, आज पंडित जी आप यहाँ पर आए दोबारा, और जैसे कि आपसे सुना कि काफ़ी लोगों के प्रश्न हैं जो मन में, तो उनके प्रति आप यहाँ पे आए हो, तो मैं सुनना चाहूँगा और उत्साहित हूँ कि किस प्रकार से लोगों के मन में संशय, किस प्रकार से उनके प्रश्न हैं, तो आप एक एक करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, आप मतलब कहाँ रहते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो है पहला क्वेश्चन। जी, मैं टेरी गढ़वाल से हूँ, और मेरा निवास स्थान जो है गज्जा बमण गांव साइड क्यारी पिंडास पड़ता है, डूब क्षेत्र के हम लोग हैं। और रहने वाला मैं हरिद्वार पथरी का हूँ, लेकिन मेरी जो एजुकेशन है और वो मेरी सारी जो है ऋषिकेश में हुई, और संस्कृत माध्यम से हुई है, इंग्लिश माध्यम से भी मैंने अध्ययन किया है और संस्कृत माध्यम से भी मैंने अध्ययन किया है श्री दर्शन महाविद्यालय के उसमें। तो अजय जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अजय भैया ने सुरकंडा देव डोली कब बनाई? देखिए, घर पे अगर सबको पता होगा, जितने गढ़वाली लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उन सबको पता होगा, घर में पहले मंडोले होते थे, डोले होते थे, तो डोलों की तो गणना नहीं की जा सकती, लेकिन जो डोली है इसे अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, उससे पहले मैं थाल बोलता था। तो जैसे कि थाल, हमारे मतलब जितने भी दर्शन जन हैं उनको नहीं पता है कि थाल का क्या मतलब होता है, तो आप उनको समझा सकते हैं। थाल का अर्थ जैसे देव डोली है, तो आपने देखा होगा कि उससे पहले मेरे शरीर पर देवी अवतरित होती है, उनकी एक शक्ति का संचार होता है, तो वही शक्ति का संचार पहले जो डोली आपका समाधान कर रही है, तो उस समय डोली ना समाधान करके एक मनुष्य समाधान करता था। तो दूसरा क्वेश्चन, आपने मतलब पहले क्वेश्चन में बता दिया था कि आपने स्टडी कहाँ से की है जी, और स्टडी में आपने क्या क्या किया है? देखिए, मैंने संस्कृत माध्यम से भी किया है और मैंने इंग्लिश माध्यम से भी किया है। मैं अगर हरिद्वार क्षेत्र से कई लोग हैं तो वो जानते हैं कि मैंने वहाँ से भी अध्ययन किया कुछ समय के लिए, सिर्फ कुछ समय के लिए। वैसे मेरी ज़्यादा एजुकेशन जो है संस्कृत माध्यम से हुई है, संस्कृत माध्यम से हुई है, और संस्कृत माध्यम से जितने भी हमारे आचार्यगण महासाधुगण हुए हैं वह सब जानते हैं कि मैंने जो है इस समय मेरा शास्त्रीय तृतीय वर्ष चल रहा है, तो ज़्यादा नहीं, छोटे हूँ मैं अभी, पर इतना है कि मैं अभी खुद एजुकेशन, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप एक मार्ग पकड़िए, सन्मार्ग पकड़िए, और अपने जीवन में जो अध्यात्म की ओर चलिए, और उसके साथ अपनी शिक्षा को वो कीजिए, अपनी शिक्षा को बदनाम मत कीजिए, जिस प्रकार के आजकल के अभद्रता देखी जा रही है, तो वो मत कीजिए, अभद्रता मत कीजिए। आपकी एजुकेशन अंग्रेजी माध्यम से, तो मैं अंग्रेजी माध्यम से भी पढ़ा हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ा हूँ, किंतु एक अभद्रता जो मैं आज के बच्चों में देख रहा हूँ, आजकल जो भी आ रहे हैं तो उनमें अभद्रता, ठीक है, तो वो ना करें।
और दूसरा क्वेश्चन ये है, मतलब पांचवा क्वेश्चन हमारा ये कि भाई जी वो इतनी मेहनती, मतलब आपके लिए कि मेरे से पूछा था कि आप इतने मेहनती कैसे हो और हमको क्या करना चाहिए मेहनत के लिए, कुछ बताइए। देखो, सर्वप्रथम तो मैं यही कहूँगा कि मुझे गॉड गिफ्ट मिला, वो भगवती का आशीर्वाद मिला, मैं उसकी आराधना बचपन से करता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात रही मेहनत की, ये बात सत्य है कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है जिंदगी में। जितनी लोगों को, ऐसा कोई काम नहीं जो मैंने ना किया हो। कार्य का अर्थार्थ है, मेरा जीवन इस प्रकार से व्यापन हुआ है कि मैंने घास भी काटी है, लकड़ियाँ भी काटी हैं, मैंने सारा काम किया है, भैंसों का गोबर सो रहा है, मुझे हर काम एक मैंने किया है। ऐसा कोई काम नहीं जो छोटा बड़ा हो। मैंने उस कार्य से एक चीज़ सीखी थी, कोई कार्य छोटा नहीं। आज की जनरेशन कहती है कि हमने हाई एजुकेशन कर रखी है जी, हाई एजुकेशन कर रखी है, तो हम हाई एजुकेटेड हैं तो हम क्यों करें छोटा काम? काम छोटा नहीं होता है, आपकी वो आपकी सोच है। कार्य तो एक कार्य भी आप करोगे उसे बड़े लेवल पे ले जा सकते हो, बड़े लेवल पे ले जा सकते हो। कार्य करने की क्षमता आपकी है। तो जो हमारा जो छठवां क्वेश्चन है वो हमारे, आप उनको बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो, अभी उनसे आपकी मुलाकात भी हुई थी, सौरभ भैया से, सौरभ नौटियाल। हाँ जी, हाँ तो जी, उनका एक क्वेश्चन है कि उनसे पूछना, मतलब उन्होंने आपको जागर बनाने के लिए कहा था कि आपने लिखना स्टार्ट किया या नहीं। जी जरूर कर दिया है, वो मैंने लिखना शुरू कर दिया, तो मैं जो हूँ आपको जल्दी से जल्द वो आपको समर्पित कर दूँगा, आप देख लीजिएगा उसे, ठीक है। और उसे अपने तौर से जैसा आपने कहा था, आप क्या क्या आए थे, मैं माता की उससे करना चाहता हूँ, तो लीजिए आप प्रस्तुत कीजिए। और आठवां जो हमारा क्वेश्चन है, मतलब सॉरी सातवां क्वेश्चन, कि आप पे माता कब से और कितने साल से, कैसे, क्या, मतलब उनकी कहानी है, आपके परिवार में माता कैसे आई, वो सब। देखो, जो कई लोग मुझसे बोलते भी हैं कि 4 साल में दैवीय कृपा कैसे हो सकती है, कैसे हो सकती है, तो जितने भी आप हैं तो आप इन सबसे, मेरा गांव है पथरी, पथरी भाग दो, तो वहाँ मेरे इष्ट श्री कुल देवता श्री घंटाकर्ण महाराज है, माँ मेरी कुल देवी भुवनेश्वरी है, तो जो घंटाकर्ण महादेव है, मैं बचपन से, अगर आप किसी से भी पूछेंगे वहाँ हर कोई बता देगा, मैं बचपन से उनकी सेवा करता आ रहा हूँ। सर्दी हुई गर्मी हुई, मुझे लोग आज कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा कैसे है, तो मैं उस समय जिस समय मेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे थे, मैं उसको मानता था, उसको मानता था, उस कृपा को मानता था। मैंने बचपन से उसके लिए हमेशा ये नहीं कहता मैंने किया, मैंने किया, हम कौन होते हैं करने वाले, पर दैवीय कृपा मेरे पे बचपन से इस कारण हुई क्योंकि शायद मैंने किसी के कारण गलत नहीं सोचा, किसी के कारण गलत नहीं किया, गलत नहीं किया, और यही है कि धर्म के उस पे चला। मैंने खुद कई बार धोखा खाया है, कई बार ऐसे धोखा खाए हैं कि मैं अच्छाई करते हुए भी लास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ कि जिसके साथ अच्छा किया वही मुझे ठुकरा के गया। ये मेरे कोई वो नहीं है कि क्या कहते हैं प्रेम सुन, ये बस ये है कि कर्म की बात कर रहा हूँ, कर्म की बात कर रहा हूँ। मैं गुरु सेवा को मानता हूँ, मैं कहता हूँ जिसका गुरु पहलवान तो चेला पहलवान, जिसका गुरु मेहरबान है उसका चेला पहलवान है, तो मैं गुरु कृपा मानता हूँ, गुरु कृपा मानता हूँ, भगवती कृपा मानता हूँ, अपने इष्ट घंटा करने कृपा मानता हूँ। वही कृपा बचपन से इस प्रकार से प्राप्त हुई, अन्यत्र कोई मार्ग नहीं। आप ये नहीं कि आपके ऊपर कृपा नहीं हो सकती, आपके ऊपर कृपा हो सकती है, तो ये तो हमारा रिवाज है कि देवी देवता एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ते हैं, दूसरे को पकड़ते हैं, मैं नहीं तो कल कोई और, पर वो आपका आचार, आपका विचार और आपकी कार्य करने की क्षमता और धर्म की क्षमता आपको बताएगा कि आप किस लेवल, अगर आप सत्य धर्म की ओर चलते रहे तो
मेरा मानना है कि आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई फेर नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप अधर्म की ओर चल रहे हैं और आप खुद धर्म की बात करते हैं और अधर्म की ओर चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका पैर फिसलेगा जरूर। तो जैसे कि भी आपने एक चीज़ बोली है कि वो दृष्टि वाला दृष्टा देने वाली, तो एक क्वेश्चन ऐसे ही उठ के आया था कि एक ही देवी एक ही परिवार में एक साथ दो लोगों पे दृष्टा दे सकती है। बिल्कुल दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। थोड़ा फनी क्वेश्चन है, मतलब काफ़ी लोगों ने पूछा है, 7-8 लोगों ने एक चीज़ क्वेश्चन पूछी है, क्या आप शादी करोगे? और अगर करोगे तो आपको कैसी वाइफ चाहिए? देखो, इस विषय में मैं एक चर्चा मैं कहता हूँ कि आप इसे यहीं तक सीमित रहने दीजिए, ठीक है, यहीं तक सीमित रहने दीजिए। मैं ये तो नहीं कहता कि जिसने उसने मेरे लिए जिसको चुना है ना, उसने मेरे लिए जिसको चुना होगा, मैं कहता हूँ मेरे लिए बहुत खास है, बहुत खास है। और इतना खास कि क्योंकि वो उसने चुना है, वो उसने चुना है, तो मैं मानता हूँ वो खास होगा, वो खास होगा। अन्यत्र अगर नहीं, तो मैं तो एक साधु का शिष्य हूँ, मैं एक साधु का शिष्य हूँ। बहुत कम लोगों को पता है, और काफ़ी लोगों को ऋषिकेश में पता है कि मैं एक आश्रम से बिलोंग करता था, मैं आश्रम में रहा हूँ, तो मैं साधु संन्यासियों का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो गुरु जी आदेश करेंगे तो विवाह कर लेंगे, गुरु जी ने कहा मेरी शरणागत रहिए, तो जय श्री राम। इस विषय में आगे जी बढ़ता। और हाँ, काफ़ी लोगों का इस प्रकार से मेरा निवेदन भी है, जब आप वीडियोस कर ही रहे हो, कि मैंने कहा उसने चुना होगा ना, तो बहुत अच्छा चुना होगा, ठीक है, गुरु ने देखा होगा तो बहुत अच्छा देखा होगा, अन्यत्र नहीं जीवन में तो नहीं। मेरे से कोई ऐसी बात मतलब ये, हाँ, कि कोई किसी ने मुझे कहा कि आप मुझे क्या कहते हैं फ्रेंड मानते हो, मैंने कहा ठीक है दोस्त, मैं सबका दोस्त हूँ, मैं तो एक माध्यम हूँ, एक बोलते हैं ना मैनेजर, तो मैं वो हूँ, आपका उसका मैं मैनेजर हूँ, ठीक है, आपका मैं दोस्त बन सकता हूँ। लेकिन ये क्या कहते हैं यार शब्द, वार शब्द जो प्रयोग होते हैं, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा आप कि ये शब्द प्रयोग ना हो। और मैं मानता हूँ जिन्हें वो सुहृदय में बसे हुए हैं, अन्यत्र बाकी तो तो अगला क्वेश्चन ये है कि आपकी कोई फेवरेट प्लेस? मेरी फेवरेट प्लेस एक सुरकंडा धाम है, हाँ जी, एक सुरकंडा धाम है, ठीक है, सुरकंडा धाम है। आपको पता है चंबा तो मेरा सबसे बेहतरीन वो है। और उस जगह की कोई खास बात जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव करती हो वहाँ पे? देखो, सुरकंडा धाम मेरे लिए इसलिए अट्रैक्टिव करते हैं क्योंकि वो माता मुझे मतलब सन्मार्ग पर चलते, इसलिए नहीं, एक सुकून का मार्ग जिसे कहा कि हाँ सुकून का मार्ग कहा। एक स्थान और है, उसकी व्याख्या मैं फोन पे नहीं करूँगा क्योंकि कुछ चीज़ें गुप्त हों तो ठीक है। तो बस ये है कि जो सुरकंडा धाम है वो धाम मिले सुकून का मार्ग है, उसने मुझे हर चीज़ दी, हर चीज़ दी, मुझे आप जैसे लोगों का प्रेम दिया, आप इतने सारे लोगों का मुझे प्रेम मिलता है ना। मुझे कई लोग कहते हैं कि सर आई एम योर बिग फैन, मैं कहता हूँ कि नहीं, आप मेरे फैन नहीं हो, आप उसके फैन बनो, आप उसके फैन बनो। क्यों? मैं तो एक माध्यम हूँ, मैं एक जिसे कहते हैं स्त्रोत्र, आई मीन सोर्स, तो वो हूँ, वो चीज जो है वो है, जो अंदर बैठी है, जो महारानी है, जिसे हम पटरानी कहते हैं, श्री सुरकंडा पटरानी, हम उसे शिव की अर्धांगिनी कहते हैं, हम उसे पटरानी कहते हैं, और कभी कभी हम उसे वार्तालाप में बहुत कुछ भी कह जाते हैं। तो तो अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से चलते हुए आ रहा है कि कुछ लोगों का क्वेश्चन यह है कि माता है तो किस रूप में है, क्या वो भी हमको मतलब देखती, उनका भी मन करता है कि वो हमसे बात करें जैसे हमारा मन करता है कि उनसे बात करने का? देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ,
अगर आप फोन की दुनिया से बाहर निकलेंगे तो ही तो कर पाएंगे। फोन की दुनिया में कौन माँ बाप अपने माँ बाप को मानता है, पहले बताइए आप। मैंने काफी देखा है कि जिन्होंने ये प्रश्न किया होगा, देखिए मैं उनके विरुद्ध गलत नहीं बोलूंगा, पर ये कहूंगा, क्या आपने कभी दो पल किसी मंदिर में दिया है? मंदिर में देने का अर्थ है आप कभी बैठे वहां पे, आपने हाथ जोड़ा, आपने आंखें बंद की, आप चले गए, आपने तो भगवान को देखा ही नहीं। आपने हाथ जोड़े, आंखें बंद किए और चले गए। आपने तो भगवान को देखा ही नहीं कि भगवान क्या दिख रहे हैं। आप वो छोड़िए, मंदिर में जाइए। आप क्यों ढूंढते हो कोई मूर्ति? आप मूर्ति ना ढूंढ के उसकी सकारात्मक शक्तियाँ, अर्थात उसकी नयन का अर्थ है आँखें, उसकी मुस्कान, चाहे वो मूर्ति क्यों ना हो। आप मूर्ति भी, कई मूर्तियाँ आकर्षित इतनी करती हैं, श्री ठाकुर जी महाराज हुए हैं, आप उनके लिए इतने लोग पागल हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी रास रची नहीं, उनके मंदिर जाके लोगों के आंसू छोड़ जाते हैं, प्रेम का भाव होता है। वो प्रेम का भाव जो आप उसके प्रति दोगे, क्यों नहीं वो आपसे वार्तालाप करेंगे। एक कथा है, मैं आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, आपके मन में प्रश्न आया कि यार भगवान मेरे से बात करते होंगे कि नहीं करते होंगे, क्या होगा। आपने ये प्रश्न लिख के दे दिया, माध्यम मैं बना कि हाँ बात करते हैं। तो वो क्या हो गया कि वो भगवान तक पहुंची, भगवान ने माध्यम पुंडीर जी को बनाया, पुंडीर जी ने मुझसे पूछा, मैंने कहा हाँ, तो उसी ने तो संकेत किया, नहीं तो क्या जरूरत थी। आपने क्वेश्चन देखा, आपने स्टोरी देखी, आपको क्या मतलब कि हाँ मुझे इसका रिस्पॉन्स करना है। आपने समझ आई, आपने सोचा कि हाँ मुझे ये प्रश्न पूछना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन, मतलब जैसे कि आपको पता ही है, आपको मैंने काफ़ी बार कहा है कि हमारे जितने भी YouTube में फैमिली है वो सब एक ही सवाल करते हैं कि क्या डोली सच में नाचती है। उनको मतलब उस चीज़ में विश्वास नहीं है। हमारा जो गढ़वाल में है उन सबको तो इतना पता है कि हमारे मतलब दैविक शक्तियाँ होती है, डोली होती है, ये सब होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन्हें लगता है कि जैसे आप दो आदमी साइड से पकड़ते हैं तो वही लोग उनको नचाते हैं। तो आपका इसमें क्या कहना है? अब आप एक चीज़ सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है, कानों सुना और आंखों देखे में बहुत अंतर है। मैंने कहा कि मैं इंसान बना सकता हूँ, ये तो आपने सुना। मैंने कहा मैं इंसान बना सकता हूँ, क्या मुझे बनाते हुए देखा? नहीं ना। आप आइए, स्थान पे आइए, जो आया है उसने देखा है, अगर वो उंगली उठा देगा तो बात अलग है। हाँ ये जरूर है, यहाँ नंबर आना असंभव है। कई लोगों, मैंने बीच में देखा था तो कई लोगों ने कहा था कि वहाँ, मुझे इस बात से भी दुख हुआ था कि नंबर नहीं आता है, तो मेरे हाथ में नहीं है, इस चीज़ को आप समझिए। और जिनका नंबर आया है आप उन्हें गौर कीजिएगा, वो उनका नंबर जल्दी आया होगा जो अधिक मात्रा में फंसे हुए होंगे, उनका नंबर जल्दी आएगा। और जिनकी धीरे धीरे करके मुसीबत है उनकी करेगी। और आपने एक बार हाजिरी दे दी, मैंने कहा आप हाजिरी दो, आप कुछ मत कीजिए, आप हाजिरी दो, एक सूखा सिरपा लाओ, ठीक है, हमारे गढ़वाल में चावल का बहुत महत्व है और साधुओं में भी चावल का बहुत, महाप्रसाद जिसे कहा गया है, बहुत महत्व है। थोड़े से चावल एक लाल कपड़े में बांध के, जो बाहर में माँ भगवती का निशान बना है आप उसमें बांध दीजिए, आपकी जो मन इच्छा है आप मांग के बांध दीजिए, धीरे धीरे करके वो पूर्ण होगी। लेकिन इस चीज़ में सवाल उठाना कि नंबर नहीं आता है तो ये गलत है। ये कृपा, और जिनके नंबर आते हैं उनसे मैं एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ, आप मेरे कोई रिलेटिव तो नहीं? दूसरी बात, आपको, आपसे मेरी वार्तालाप तो नहीं हुई? आपसे मेरी वार्तालाप तो नहीं हुई कि ताकि ये हो कि कई, मैंने ऐसे देखे कि वार्तालाप होने के बाद मैं उनकी कोई चीज़ बताऊं जो मुझे पहले से पता हो,
तो अन्याय है। हाँ, जब मुझे पहले किसी जो वार्तालाप नहीं हुई उसके बारे में मुझे पता चला, मैंने बताया, तो एक अध्यात्म वो शक्ति है। तो आप सोचिए, जब वो चीज़ पता लग सकती है तो ये तो देव डोली है। इसका नृत्य अगर आपको, हाँ ये जरूर है कि जैसे डोली नाचती है, जो उसका देवांश है, देवांश मतलब देव अंश होता है, जो जो उसकी कंपन होती है वो देवी के अंश होते हैं। फिर जो आपने देखा होगा नृत्य कराते हुए, तो एक बात है, कंधे पे आप किसी व्यक्ति को उठाओ, वो अपने आप नाच रहा है, ठीक है। तो एक हमारे उसमें होता है रांसू, हम लोग की इच्छा करते हैं हम उसे अपने तरीके से नचाएं, तो यहाँ हम भी नचाते हैं। लेकिन जो देवान शक्ति है, ये सर्वप्रथम जब जागृत होती है माता, जब उसका मंडाण लगता है, जब दैंत संगार लगता है, तो डोली के अंदर जो जागृत होती है वो स्वयं से उत्पन्न होती है, उस पर कोई हाथ नहीं लगाता। इसीलिए आप ध्यान से देखिएगा मेरी वीडियो में, कि जिस समय शुरू में डोली उड़ती है उस समय पे दोनों तरफ से हाथ छोड़े जाते हैं, इसीलिए छोड़े जाते हैं। आपकी आपकी इन कटु वाक्य से किसी देवता को आपको बताने की जरूरत नहीं कि उसमें कितनी पावर है, लेकिन आपके इन बेफिजूल के जो सवाल हैं कि देव अंश में अपने आप उत्पन्न होने वाली शक्ति, आपके इन बेफिजूल के कारण हमें हाथ छोड़ना पड़ता है, नहीं तो हमें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। जिसको विश्वास होगा वो धाम में आए, अन्यत्र विश्वास नहीं तो ठीक है। आप क्या मतलब, आपका क्या कहते हैं उस, मैंने कई लोगों को देखा कि पुंडित जी बार बार इस चीज़ में विषय करते हैं कि क्या कहते हैं, गलत कमेंट करते हैं, गलत कमेंट करते हैं, कई लोग इस चीज़ में भी गलत कमेंट करते हैं, तो ठीक है, आपका धाम के प्रति विश्वास नहीं। मैं मानता हूँ कई लोगों के साथ अनिष्ट हुआ, कई लोगों के कई लोग धाम गए, और कई धाम, मैं किसी धाम की निंदा नहीं करूँगा, लेकिन है कई धामों ने जो जरिया बनाया। मेरे यहाँ, हमारे यहाँ रिवाज है, मैं किसी से पैसे नहीं मांगता हूँ, पर हमारे यहाँ रिवाज है, 11 रुपये और चावल, उसे उठाना कहते हैं हमारे उसमें, हमारे वहाँ उठाना कहते हैं। ये शुरू से परंपरा चलती आई है और आज भी वही परंपरा निभा रहे हैं। इसके बाद इस धर्म में नित्य भंडारा होता है, हर रविवार को यहाँ प्रतिदिन भंडारा होता है, प्रतिदिन भंडारा होता है। आपके उस 11 रुपये से, 11 रुपये से आप कहीं बाहर थाली खा के आ जाओ जरा, नहीं मैं उस चीज को नहीं मानता। आप 11 रुपये में थाली खा के आ जाओ बाहर, यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था है, भंडारे की व्यवस्था है। आप आइए, आप प्रसाद पाइए, आप उस भगवती का प्रसाद पाइए, ठीक है, प्रसाद पाइए। पर ये फिर बेफिजूल के सवाल की डोली अपने आप आइए ना धाम, आप धाम आइए, देखिए देखिए कि चमत्कार है कि नहीं। मैं चमत्कार को मानता हूँ, चमत्कार को, कैसे चमत्कार, ये मैजिक वाला चमत्कार नहीं, जो चुटकी बजाए कबूतर आ गया वो चमत्कार नहीं, मैं उस चमत्कार को मानता हूँ जिस चमत्कार ने पैरालाइज व्यक्ति को खड़ा करके दिखाया, जिस चमत्कार ने डॉक्टर के बताए कैंसर को ठीक किया, मैं उस चमत्कार को मानता हूँ, उस चमत्कार को मानता हूँ जिसे डॉक्टरों ने मना कर दिया कि हाँ इनका इनके इनके बच्चे नहीं हो सकते, उस चमत्कार को मानता हूँ, मैं खुद साक्षी हूँ। बताइए कितने ऐसे लोगों को खड़ा करना है आपके पास जिनके आज तक बच्चों की कल्पना नहीं थी, जिनके डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि क्या कहते हैं कि अंदर पेट में कोई समस्या है और नसों में कोई ब्लॉकेज है, तो उन्होंने मना कर दिया था, उन्हें मना करने के बाद भी आज भी मैं उस चमत्कार को मानता हूँ कि उनके कार्य हुए, अन्यत्र मैं उस चीज़ को मानता, अन्यथा मैं किस चीज़ को नहीं मानता, ठीक है। वो चमत्कार नहीं है कि ये हाथ से चुटकी बजाए कबूतर आ गया, ये वो चमत्कार नहीं है, ये अध्यात्म चमत्कार है, ये शास्त्र चमत्कार है, ये आपको बताने का चमत्कार है। कि मैं ये नहीं कहता सत्संग मत लो, सत्संग का अच्छे अर्थ ही होता है अच्छी संगत, आप किसी गुरु की शरणागत गए, पर वो गलत है जहां पर कहा कि आप दीपक मत जलाइए, अपने घर में प्रकाश मत कीजिए। क्यों, प्रकाश किनके घर में नहीं जलता जलता, ये आप सबको ज्ञात है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। अपने धर्म को परिवर्तन करना, आप हिंदुत्व तो नहीं हो, मेरे स्थान पे मुसलमान तक आया है, और मैं ये कहता हूं मुसलमान एक कट्टर मुसलमान होता है, मैंने उन्हें अपने धर्म परिवर्तित, और एक हिंदू अपना धर्म परिवर्तन कर देता है। क्यों क्यों, एक समस्या आती है
एक समस्या आती है और हिंदू धर्म परिवर्तन करने के लिए चला जाता है कि हम ईसा मसीह के पास चले जाते हैं, हम ये धर्म अपना लेते हैं, हम वो धर्म अपना लेते हैं। अपने धर्म को समझिए, अपने धर्म को समझिए, अपने धर्म के अध्यात्म की ओर पढ़िए। आप भागवत पढ़िए, आप रामायण पढ़िए, रामायण पढ़िए, और ज़्यादा ही संकट है श्री हनुमान जी महाराज जी की शरणागत जाइए। क्यों आपका समस्या का समाधान नहीं होगा? क्यों आपको धर्म परिवर्तन करने पर क्या मिला? पैसा मिला? मैं उन सबके सामने कह रहा हूं, आपको धर्म परिवर्तन करने पे पैसा मिला, लेकिन धर्म परिवर्तन करना अपने मां बाप परिवर्तन करने के समान है। आप धर्म को परिवर्तित मत कीजिए। बात तो बहुत बड़ी हो जाएगी, पर और भी क्वेश्चन होंगे किसी के? हाँ, तो अगला क्वेश्चन ये है कि आप इतनी छोटी उम्र में, जैसे ये मेरा खुद का क्वेश्चन था, इतनी छोटी उम्र में लोगों के इंस्पिरेशन बन गए आप, मतलब एक तरीके से उनके लिए आइडियल बन गए, सब लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? देखो मैं कहता हूँ मेरी तरह मत, मैंने बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत स्ट्रगल देखा है। आज यहाँ पे हूँ तो शायद उस परमात्मा के आंसू आए हों। मैंने जीवन का वो क्षण देखा है, मैंने वो क्षण देखा है। आपको क्या लगता है? मैंने कई बार कहते हैं ना कि इंसान जब दुखी हो जाता है तो उसका एक होता है कि वो सुसाइड करे, मेरे मन में भी वो ख्याल आता है, पर उस परमात्मा ने रोका। उस परमात्मा ने कहा कि मैंने हाथ नहीं छोड़ा, अभी मैंने हाथ नहीं छोड़ा, जिस दिन मैं हाथ छोड़ दूंगा उस दिन तू चाहे कुछ कर, उस दिन तो मेरी तरह मत बनिए। मेरी तरह बनने कोई वो नहीं है। मैं खुद कहता हूँ कि जो लाइफ मैंने देखी वो लाइफ शायद कोई देखे नहीं, वो लाइफ कोई देखे नहीं। और मैं ये कहता हूँ कि आज जो लाइफ मैं देख रहा हूँ, ये लाइफ हर किसी को मिले, हर किसी को अर्थार्थ मान सम्मान प्रतिष्ठा, जो आप लोगों से मुझे प्रेम स्नेह मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, आप वो स्नेह मुझे मिले, वो आपको मिले, वो समस्त जनता को मिले, उस जनता को जो इसके हकदार है। और अन्यत्र आप सभी साक्षी, मैंने क्या कहा, आप ये फिजूल के कई लोग कमेंट करते हैं, जो उन्हें मैं सिर्फ वही कहता हूँ कि आप कुछ मत कीजिए, आप आइए, आप पूछिए, आप वार्तालाप कीजिए, तो उंगली उठाइए। आप बिना जाने, बिना देखे, बिना स्थान में आए, आप कहते हैं कि ये धर्म के प्रति अवहेलना है, ये धर्म के प्रति अवहेलना है। क्यों भाई? जिन्होंने धर्म को, आज धर्म को अपने आप को साबित करने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि हमारा हिंदुत्व कट्टर नहीं, मुसलमान कट्टर है, ये तो समस्त हिंदुत्व धर्म को मैं कहता हूँ, और हमारा हिंदुत्व कट्टर नहीं। अगर हमारा हिंदुत्व कट्टर होता तो अपने धर्म के प्रति आज इतनी बड़ी निष्ठा नहीं होती। कि भागवत गीता की बात आती है तो भागवत गीता में भगवान ने कहा जब जब धर्म का नाश होगा तब मैं अवतरण लूँगा, तब मैं अवतरण लूँगा। धर्म का नाश हो तो रहा है, लोगों ने अपने धर्म को छोड़ के, अपने भगवान को छोड़ के, अपने कुल देवता इष्ट देवताओं को छोड़ के चर्च में जाना, वो गलत नहीं है, चर्च में जाओ। मैं ये नहीं कहता दूसरा धर्म आप उसकी अवहेलना करो, वो धर्म उनका है, उन्हें अपना धर्म करने दीजिए। आप अपने धर्म पे रहिए, आप अपने धर्म पे रहिए, आप अपने धर्म की जय जयकार करिए, धर्म की जय जयकार करिए। आपने तो धर्म को भी राजनीतिक बना दिया कि नहीं नहीं, अगर हिंदुत्व तो एक हो जाएगा, हिंदुत्व तो एक हो जाएगा तो शायद हमारे धर्म की सदा जयकार होगी। और जितना अमेरिका में जितने साइंटिस्ट हैं उनमें से आधे से ज़्यादा साइंटिस्ट हमारे इंडिया के हैं, और बोलिए कनाडा के उतने कनाडियन लोग नहीं है जितने हमारे भारत के सिख लोग वहाँ पे कनाडियन है। क्यों भाई? विदेश क्यों, अपने भारत में क्यों नहीं? क्योंकि वहाँ पैसा अच्छा है, वहाँ पैसा अच्छा है, लेकिन धर्म यहाँ है। हमने अपने धर्म को छोड़ा बाहर जाके, हम अपने धर्म की जय जयकार करते हैं, वहाँ धर्म की निंदा हो रही है। इसमें कई फालतू कमेंट भी आए होंगे, फालतू क्वेश्चन भी आए होंगे। हाँ, बहुत सारे मतलब थे, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन थे कि मतलब जैसे अब मतलब काफ़ी टाइम से मैं वीडियो डाल रहा हूँ, 1-1.5 साल हो गया, तो लोगों के कुछ ये क्वेश्चन थे कि क्या मतलब डोली के अंदर कोई बैठा हुआ है वो नाच रहा है,
लाइक हरियाली, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो चावल में एकदम से हरियाली, मतलब कुछ ही सेकंड में कुछ इस तरीके से थे? इस विषय में बहुत अच्छा, यही चीज मैं सुनना चाह रहा था। आइए कानों सुनी, मत देखिए, आंखों देखी देखिए, आंखों देखें तो जाने। धर्म और रक्षा, धर्म की रक्षा धर्म से की जाती है, अब आपके हाथ में। दूसरी बात, जो चावल की हरियाली है कोई जादूगर नहीं है, ये कोई वो नहीं है। मैंने क्या कहा, हमारे गढ़वाल में ये एक बहुत बड़ा साइंटिफिक वो है कि जो उगने का जीरो चावल कभी अंकुरित नहीं हो सकता। मैं खुद कहता हूँ चावल कभी अंकुरित नहीं हो सकता, वो उगने का बिल्कुल जीरो पॉइंट साइंस है, जीरो पॉइंट साइंस है। ये मानते हैं आप, जीरो पॉइंट बिल्कुल साइंस इतना है कि वो चावल अंकुरित हो ही नहीं सकता। धान अंकुरित हो सकता है, चावल अंकुरित नहीं हो सकता। ये चमत्कार क्या है, एक मनुष्य इंसान नहीं बना सकता, ये परमात्मा की देन है, परमात्मा की। जिस समय गेहूं आया, किसको था पता कि गेहूं जमने वाली चीज है? क्या किसी को पता था? नहीं ना। इसके बाद अन्यत्र बहुत सारी चीजें, चना हो गया, आपका धान हो गया, ये अंकुरित होने वाली चीजें हैं। किसको पता था ये अंकुरित होती हैं? किसी को पता था? नहीं, नहीं। लेकिन उस परमात्मा ने कहा कि तुझे भोजन करना है तो धान जमा, धान से चावल निकलेगा, चावल से। ये वो साइंस है, ये वो परमात्मा की साइंस है। साइंटिस्ट इस चीज को मानती है, साइंटिस्ट इस चीज को मानती है कि हमारी पृथ्वी, हम कहते हैं ना हमारे मंत्रों में है, जो साइंटिस्ट आज कहती है वो हमारे शास्त्रों ने पहले कह दिया था। साइंटिस्ट ने कहा सूर्य इतनी दूरी पे है, तो हमारे तुलसीदास महाराज जी ने लिख दिया था सहस्त्र योजन परभानु, सहस्त्र योजन परभानु, सहस्त्र योजन का अर्थ आप लगाइए। हमारे साइंटिस्टों ने कहा टीवी की रचना कहाँ से हुई, मैं बताता हूँ। जब महाभारत हो रही थी तो संजय जी को दिव्य दृष्टि प्रदान हुई, उसी दिव्य दृष्टि से ये टीवी बनी। जो आपका एरोप्लेन है, इसकी समझ कहाँ से आई? इसका समझ आप किसी भी साइंटिस्ट से पूछ सकते हो, हमारे शास्त्र से आया। शास्त्र में लिखा था, रामायण में लिखा था कि रावण के पास एक उड़न खटोला था, रावण के पास एक उड़न खटोला था, उस उड़न खटोले से दिमाग आया कि एक उड़न खटोला ऐसा भी हो सकता है। ये साइंटिस्ट जो आज कर रही है, ये हमारे परमात्मा ने पहले कर दिया था, ये परमात्मा इस शास्त्र योजन पहले कर दिया था, ये शास्त्र लिख चुका है। और कई लोग कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि शास्त्र में लिखी बात हर बात सच्ची है शास्त्र में, तो अब वो चीज़ें क्या कहते हैं जो अब आप बता रहे हो, अब ये कोरोना की ये बहुत सारी चीज़ें ठीक क्यों नहीं कर पाए। कई लोगों ने मुझसे पूछा कि कोरोना क्या कहते हैं, अगर आपके अंदर इतनी ही नेचुरल पावर है तो आप कोरोना को ठीक क्यों नहीं कर पाए? क्यों भाई, जिस समय पे धर्म ने कहा कि इस मार्ग पे चलो, कौन चल गया था धर्म की ओर? उस समय धर्म की ओर गया था कोई? धर्म की ओर तो नहीं गए थे उस समय, तो आपने क्या उस समय तो नहीं बोला था आपने कि हाँ, उस समय तो नहीं पूछा था यहाँ पे धर्म की ओर चले क्या, धर्म की ओर चले? आज सवाल धर्म पे उठता है कि धर्म क्या कहते हैं, जितने भी दरबार हैं, जितने भी दरबार हैं, चाहे वो हिसार दरबार हो, चाहे टीवी दरबार हो, चाहे बागेश्वर दरबार हो, चाहे कोई भी दरबार हो, शनि धाम हो गया, पंडोकर धाम हो गया, सब पे ये उंगली उठाई गई कि आप कोरोना, तो कोरोना के विषय में क्या कहना था? आपने जब धर्म छूट रहा था, जब आप अब परेशानी लेके आ रहे हो, आप लोग को अब परेशानियां हो रही हैं, तो उस समय कहाँ गया था जब आपको कहा कि पितरों की सेवा कीजिए, पितरों की सेवा? तब तो किसी ने पितरों की सेवा नहीं करी, तो तब तो बोले कि हाँ ये लोग ढोंग ढकोसला। आज जब अपने पे बात उठी
इतना नुकसान हुआ तो आप धर्म की ओर उंगली करने लगे। धर्म की ओर उंगली करने से अच्छा है ना, अच्छा है, उसमें भी हमारे धर्म की ही बातें आई थी कि आप क्या कीजिए, काढ़ा पीजिए। उस समय भी जो हमारे शास्त्र में पहले आयुर्वेद दवाई लिखी हुई थी, उन्हीं दवाइयों का कहा गया कि आप ये कीजिए। और जितनी दवाई बनी है सारी आयुर्वेद हैं, जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाइयाँ हैं, चाहे वो कोरोना का इंजेक्शन ही क्यों ना हो। तो धर्म की ओर उंगली उठाने से पहले आप ये सोचिए कि आयुर्वेद का ज्ञान पहले से ही शास्त्र दे चुका है, और उस आयुर्वेद से आपके बुखार का इलाज हो रहा है। कैंसर अनुसाधन में जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसे भी, वो दवाइयाँ भी किसी उससे नहीं बनी है, उसमें भी जड़ी बूटियाँ लगी हैं और उन जड़ी बूटियों का ज्ञान पहले से प्राप्त हुआ है। तो आप धर्म की ओर क्यों उंगली उठाते हो, धर्म की ओर बढ़ो ना, क्यों आपको बीमारी होगी। मंदिरों में कहा जाता था, आखिर आई वही बात जो थाली बजाने वाली एक समय हम करते थे, घंटा पे बात उठी कि घंटा बजाते हैं। लास्ट में क्या हुआ, जब कोरोना हुआ तो बजाना पड़ा अपनी जिंदगी बचाने के लिए, करना पड़ा। ध्वनि गाड़ियों की टों टों पों पों करने से एक ध्वनि की प्रदूषण ऐसी हुई कि जिसने पूरे संसार, जिसमें हमारे उसमें बहुत पहले एक वो रिवाज था कि कांसा जब बजता है तो उसके बजने से जितनी नकारात्मक एनर्जी होती है वो दूर होती है, नकारात्मक एनर्जी दूर होती है और सकारात्मक एनर्जी बनती है। तो कांसा इसीलिए महत्वपूर्ण है। तो अब ज़्यादा सवाल ना करते हुए, बस वीडियो को काफ़ी लंबी हो गई है, तो बस मैं ये चाहूँगा कि जितने भी मतलब मेरी यूट्यूब फैमिली है उनको आप अपना आशीर्वाद और माता का आशीर्वाद और उन्हें सदमार्ग की तरफ लेके चलें। मैं कहूँगा आप को अगर मुसीबत है तो भगवान आपको मुसीबत से बचाने की शक्ति देता है। भगवान आपको मार्ग दिखाता है, एक माध्यम बनाता है, आप उसके ऊपर उंगली उठा रहे हो कि ये आपको वो करता है, शोभा करता है, आप उसी के ऊपर एक माध्यम देता है और आप उसी की ओर उंगली उठाते हो। वाह रे इंसान, तब तो तेरी हो गई सदगति। चलिए, जो प्रश्न आए उसमें से मुझे कई प्रश्न ऐसे भी पता हैं जो लोगों के द्वारा बताए गए हैं, तो उनमें कई प्रश्न ऐसे भी, उन्हीं के लिए मैंने ये बातें कही। और जितनी भगत मंडली हैं, जितने भी समस्त जो इस स्थान पे आ चुके हैं, जिन्हें इस स्थान पे भरोसा है, जिनको नहीं है वो अपना पीछे हट जाए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने तो नहीं कहा जबरदस्ती कि आप पकड़ के कि आप नहीं, आप धाम में आओ। मैं तो कहता हूँ मत आओ, कोई दिक्कत नहीं। पर ये फालतू की चर्चाएं क्यों आप अपने हिंदू, कौन किस मुसलमान को मुसलमान के उसमें कमेंट करते हुए देख लिया तुम लोगों ने? और हिंदू लगा पड़ा कि ये धर्म के विरुद्ध है। अरे धर्म के विरुद्ध तब कहाँ, कौन है वो, सामने तो आ जाओ, मेरे सामने आओ। मैं चाहता हूँ सामने आओ, सामने वार्तालाप हो तो आप समझे, आंखों देखा माने। मैं तो कहता हूँ कि अगर उन्होंने वीडियो डाली है, क्या पता वीडियो झूठी हो सके, पर आके तो देख सकते हैं, नहीं है तो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका, अमेरिका से कनाडा तक मेरी पहुंच है, लंदन तक मेरी पहुंच है, कनाडा तक मेरी पहुंच है। आप उनसे संपर्क कीजिए जिनसे मैं मिला हूं और जिनका मैंने कार्य पकड़ा है, आप उनसे मिलिए। बाकी कार्य हस्तक्षेप तो मैं करूँगा नहीं, ठीक है, कितना कष्ट दूर हुआ मैं ये नहीं कहता मैंने किया, पर परमपिता परमेश्वर ने किया, उस जगत भवानी जगत जननी माँ अम्बे ने किया, और मुझे पता है कि वो आगे भी करेगी, और बोलने वालों का मैं चुप नहीं कर सकता। तो जय चामुंडा, जय सुरकंडा, आप सभी का बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत स्नेह आप सभी को, बहुत बहुत प्रेर, आप यूं ही प्रगति करें। और जो धर्म की ओर जुड़ रहे हैं, मैं चाहता हूँ
कि वो जुड़े रहें, कष्ट जीवन में जीवन का प्रियतम आधार बना रहेगा, लेकिन निकलने का मार्ग वो जरूर देगा। तो एक बार कमेंट में आप सभी जो है, जितने भी भक्तगण हैं, जो शायद मिलियन में गई थी आपकी वीडियो, हाँ 1.7 मिलियन, हाँ तो मिलियंस लोगों के उसमें जितने भी लोगों ने देखा, जितने लोगों ने कमेंट किया, उन सब जितने धर्म की ओर जय जयकार करने वाले हैं, उन सब से मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, जय माँ सुरकंडा, धर्म रक्षिता धर्म, और धर्म की जयकार हो, और सदा धर्म की जयकार हो, और हमेशा धर्म की जयकार बनी रहे। तो बोलो सनातन धर्म की जय, अधर्म का विनाश हो, नाश हो। तो सनातन धर्म की जयकार करते हुए चलिए आज्ञा लेता हूँ मैं आपसे, जय श्री राधे, जय माता दी।